दोस्तों जितने भी हमने परमानेंट प्लांट लगाए होते हैं, जब वो काफ़ी टाइम तक एक ही गमले में लगे रहते हैं तो ज़रूरत पड़ती है उनको रिपोर्ट करने की। तो हम कैसे पहचान करें कि हमारे पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है? तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें पहचान पड़ जाती है कि इस पौधे को हमें रिपोर्ट करना है, और रिपोर्टिंग का कोई टाइम नहीं होता, जब भी पौधे को ज़रूरत होगी तभी हमें करनी पड़ती है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे पौधे तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमें जल्दी ही रिपोर्ट करना पड़ता है, 5-7 महीने में ही। जैसे कि मेरा ये मधुमालती का प्लांट है जो बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा हो गया है। तो काफ़ी टाइम से ये कुछ परेशान सा लगता है मुझे, तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे बिल्कुल पक्का आज लग रहा है कि इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी को छूते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके फूल छोटे हो गए हैं, खिल ही नहीं रहे हैं पूरी तरह से, और भी कई लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। कभी कभी पत्तियां जली जली सी होने लगती हैं, कभी कभी पत्तियां छोटी हो जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि फूल छोटे हो जाते हैं, खिल नहीं पाते पूरी तरह से, या फिर पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि पौधे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और एक पौधे की आप अपनी ग्रोथ भी देख सकते हैं कि पौधा हम कितना बड़ा लाए थे और अब कितना बड़ा हो गया है, उस हिसाब से गमला कितना बड़ा है। तो ये सब चीज़ों को देख कर पता चल जाता है कि हमें अब रिपोर्ट करना पड़ेगा पौधे को। तो ये गमला ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लास्टिक का गमला है वैसे भी, और नीचे से तो काफ़ी इसकी चौड़ाई कम है। गमला तो ये 12 इंच का है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, मिट्टी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं इसको निकाल के एक बार देख लूँगी, चेक कर लूँगी। वैसे मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। जब हम मिट्टी को इस तरह से छूते हैं तो गुड़ाई भी नहीं कर सकते हम इसकी, बिल्कुल इसकी जड़ें ऊपर आ रही हैं, देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुकी है ऊपर से इसकी मिट्टी, जैसे कि इसकी जड़ बिल्कुल ऊपर तक आ चुकी हैं। देखिए जब इसको इस तरह से हम देखेंगे तो रूट्स हमारे हाथ में ही आ जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल भी मिट्टी इसमें बची नहीं है, पूरी मिट्टी को जड़ों ने कवर कर लिया है। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी बनाई है उसमें वही मैं कई बार बता चुकी हूँ मिट्टी को किस तरह से बनाना है, वीडियो मैंने डाली हुई है। इसमें कोकोपीट है, कंपोस्ट है और सैंड है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लूँगी मैं, तो इस तरह की मिट्टी मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो ये मिक्सर मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, और मिट्टी को किस तरह बनाना है इसके कई वीडियो मैंने अभी डाले हैं थोड़े दिन पहले, आप देख सकते हैं फुल डिटेल में। तो मिट्टी मिला के इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके लिए जो मैंने गमला लिया है अब मिट्टी का लिया है, मिट्टी के गमले में वैसे भी जड़ों को हवा लगती रहती है तो अच्छा रहेगा, और इससे काफ़ी बड़ा है ये गमला, लगभग 16-17 इंच का तो है ही, और नीचे से भी काफ़ी चौड़ा है। इससे ज़्यादा बड़ा गमला तो बालकनी में रखना मुश्किल है, तो इस गमले में मैं इसको लगाऊंगी। इसमें 3 नीचे ड्रेनेज होल हैं, तो नीचे मैं पत्थर डाल लूँगी कुछ जो ड्रेनेज होल के ऊपर रखने के लिए। उससे पहले मैं पौधे को इस गमले में से निकाल लूँगी और हमें पता भी चल जाएगा कि क्या हालत है मिट्टी की। तो बिल्कुल आराम से पौधे को निकालेंगे, देखिए पूरी की पूरी मिट्टी एक साथ निकल के आ गई है। इससे पता चलता है कि पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, इसकी जड़ें पूरी नीचे तक फैल चुकी हैं, और प्लास्टिक का गमला है इसमें जड़ों को इतने अच्छे से हवा भी नहीं लगती है, तो इसको ज़रूरत थी रिपोर्ट करने की। वास्तव में बिल्कुल हमारा जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। तो इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं, जड़ें पूरी नीचे तक इसमें देखिए फैल चुकी हैं इसकी। इसको अगर दूसरा गमला जितना बड़ा मिलेगा तो उतनी ही अच्छी इसकी जड़ें फैलेंगी और अच्छे से इसकी जड़ें सांस ले पाएंगी। प्लास्टिक के गमले में वैसे भी हवा कम मिलती है जड़ों को, अगर ये मिट्टी के गमले में होता तो शायद छोटे में भी शायद थोड़े दिन और चल जाता, क्योंकि बाहर से हवा आर पार उसको मिलती रहती है जड़ों को। तो अभी हम इस गमले में लगाएंगे, नीचे मैं मिट्टी भर लूँगी थोड़े से, इसमें नीचे ड्रेनेज होल पर पहले थोड़े कंकड़ डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ी मिट्टी भर लेंगे गमले में। ड्रेनेज अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का भी और गमले का भी, जहाँ भी ड्रेनेज होल हो उनमें पत्थर अच्छे से लगाएं ताकि जो
पानी है वो अच्छे से निकल सके। अगर हम पत्थर नहीं लगाएंगे नीचे तो मिट्टी की वजह से वो रुक सकते हैं और मिट्टी भी साथ में बहती है फिर, तो थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसको रख लेंगे। देखिए बिल्कुल सही बैठा है और चारों तरफ जो जगह है उसमें हम अच्छे से मिट्टी को भर देंगे। तो दोस्तों अपने पौधों को चेक करते रहें, अगर किसी भी पौधे की ग्रोथ रुक रही है या फिर फूल छोटे हैं, पत्तियां छोटी हो रही हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो एक बार ये चेक कर लें कि पौधा आपने कितने दिन से एक ही गमले में लगा रखा है और वो कितना बड़ा हो गया है। और अगर आपको लगे कि शायद इसकी जो रूट बाउंड हो सकती है तो आप उसको निकाल के एक बार देख लें। तो पौधा लगाने के बाद मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ी सी राख, लकड़ी की राख है ये। इसको डालने से जो कीड़े वगैरह हैं वो भी नहीं लगते और पौधा काफ़ी सारी बीमारियों से बचा रहता है, फंगस वगैरह भी नहीं लगती कभी पौधे में, तो ये अच्छी रहती है। इसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं पर मैं ऊपर से ही डालती हूँ क्योंकि जब भी हम पानी डालेंगे तो ये स्लोली स्लोली इसका जो असर है वो नीचे जाता रहेगा। तो ये ऊपर से मैंने डाल दी है और अब मैं इसमें पानी लगा दूँगी। तो हमारा जो पौधा है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है और अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी मुझे पूरी उम्मीद है। पानी लगाने के बाद एक बार अच्छे से पानी लगाएं और चेक कर लें कि ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है या नहीं। तो पूरी मिट्टी देखिए बिल्कुल इतनी जल्दी पानी नीचे पहुंच गया और जो एक्स्ट्रा पानी था बिल्कुल एक एक बूंद पानी सारा निकल गया है। तो ऐसा ही हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो रहना चाहिए कि मिट्टी में बिल्कुल उतना ही पानी रहे जितना उसको ज़रूरत है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो फटाफट से एकदम से निकल जाए। तो ऐसी मिट्टी बनाएं, तो उसके लिए उसमें रेत मिला लें मिट्टी में, तो उससे ड्रेनेज अच्छा रहता है। और नीचे जो होल है वहाँ पर अच्छे से थोड़ा कंकड़ वगैरह रख लें ताकि अच्छे से पानी निकल जाए जो एक्स्ट्रा है। तो रिपोर्ट करने का अगर आप टाइम पूछें तो मेरे हिसाब से कोई टाइम नहीं होता। जब भी आपको लगे आपका पौधा कुछ परेशान लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए तो फटाफट से उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। और जितना बड़ा गमला पहले था उससे बड़ा गमला ले तो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और भी अच्छे से उस पर फूल आएंगे, बढ़िया तरह से उसकी ग्रोथ होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।